नमस्कार। अभी अभी की बड़ी खबर, राजस्थान में वसुंधरा राजे का प्रेशर पॉलिटिक्स, 20 से ज्यादा विधायकों के साथ डिनर और 68 विधायकों का साथ होने का दावा। क्या वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या वो बीजेपी के सामने अब बगावती तेवर दिखाएंगी? चलिए अपडेट बताएं और कुछ आरोप भी उन पर लगे हैं वो भी बताते हैं। वसुंधरा के बेटे ने विधायक को कब्जे में लिया है, ये जबरन होटल में रखने के जो आरोप हैं बीजेपी के एमएलए के पिता ने लगा दिए हैं। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताएं। फिलहाल राजस्थान बीजेपी की प्रचंड बहुमत हो गई, मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना है, लेकिन रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स की बात सामने आ रही है। सांसद दुष्यंत सिंह पर आरोप लगे हैं। बीजेपी के विधायक ललित मीणा के पिता ने ये आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे के साथ 5 विधायकों को जबरन एक रिजॉर्ट में रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, वसुंधरा राजे दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इससे पहले जैसे नतीजे घोषित हुए थे तभी से मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातान शुरू हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुले तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई। उन्होंने उसी दिन नतीजे के बाद ही 20 से ज़्यादा विधायकों के साथ डिनर किया। उसके बाद उनके गुट ने दावा किया 68 विधायकों का साथ होने का, साथ में कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके साथ होने का। यानी फिलहाल वसुंधरा अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वो ठोक रही है। दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं वसुंधरा। आपकी राय क्या, बताइएगा किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए राजस्थान का।